हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति मुटपुरे। वेलकम टू माय चैनल आई लव कुकिंग। आज की हमारी रेसिपी है नागपुरी स्टाइल खसखस कांदा की सूखी सब्जी। खसखस का मतलब होता है पॉपी सीड, कोई इसे पोस्ता दाना के नाम से भी जानते हैं, और ये पॉपी सीड है। हमारे यहाँ पे इसको खसखस और मराठी में इसको खाकस बोलते हैं। खाकस कांदा, कांदा का मतलब होता है प्याज। तो ये खसखस और प्याज की हम सूखी सब्जी बनाएंगे जो खाने में एकदम जबरदस्त लगती है। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके मेरी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले अपने मोबाइल पे देखिए। सो फ्रेंड, मेरी इजी टू मेक एंड टेस्टी टू ईट रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। नागपुरी स्टाइल खसखस प्याज की सूखी सब्जी बनाने के लिए हमने ली है खसखस। खसखस मीन्स पॉपी सीड, इसे कोई पोस्ता दाना के नाम से भी जानते हैं। हमारे यहाँ पे इसे खसखस या मराठी में इसको खाकस बोलते हैं। तो इसको हमने सूखा बनाना है। सूखा बनाने के लिए आप डायरेक्टली भी इसको भूनकर यूज़ कर सकते हो, लेकिन कैसा होता है, इसमें बारीक बारीक कंकर बहुत होते हैं, खसखस में ये होते ही हैं। तो इसे पानी में धोकर इसे ऊपर ऊपर छान के निकालना बहुत ज़रूरी है, तो उससे उसके कंकर निकल जाते। तो मैंने 10 मिनट के लिए पानी में भिगोया था और उसको पूरा छान लिया है ऊपर ऊपर, तो इसके पूरे कंकर निकल चुके हैं। वरना आप डायरेक्टली बनाओगे तो आप खा नहीं सकोगे, कचकच लगना ही लगना है। इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा निकाल लिया है, एक कटोरी भर के लिया है। मीन्स 5-6 टेबल स्पून हमने ये खसखस लिए और उसको अच्छे से 10-15 मिनट के लिए भिगो लिया और उसको ऊपर ऊपर छान के हमने निकाल लिया। हरा धनिया लगेगा मीन्स कोरिएंडर लीफ, उसके बाद में हमें बे लीफ मीन्स तेज पत्ता लगेगा, करी लीव्स मीन्स कड़ी पत्ता, प्याज ली है हमने। हमारी जो प्याज होती है तो हमने 4 बड़े साइज की, फुल बिग साइज 4 अनियन, 4 प्याज ली है, उसको हमने इस तरह से चॉप किया है। 4 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, 4 मीडियम साइज टमाटो। उसके बाद में हमें कसूरी मेथी में ड्राई फेनिग्रिक लीफ लगने वाली 1/2 टीस्पून लिया है, टर्मरिक यानी कि हल्दी, गरम मसाला लगेगा, कोरिएंडर पाउडर मीन्स धनिया पाउडर लगेगा, रेड चिली पाउडर मीन्स लाल मिर्च पाउडर लगेगा, जिंजर गार्लिक पेस्ट मीन्स अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये है सॉल्ट यानी कि नमक, हरी मिर्च लगने वाली है, और ये है क्यूमिन सीड एंड मस्टर्ड सीड मीन्स राई और जीरा, ये भी हमें लगने वाला है। तो सबसे पहले हमें हमारी खसखस को दरदरा पीस लेना है। दरदरा एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, हमें इसे दरदरा ही मिक्सर में ग्राइंड करना है। ये भीगी हुई है तो ये दरदरा पीस जाएंगी, तो इसे मिक्सर में हम ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए मिक्सर पॉट में डाल दी हूँ, अब इसे हम ग्राइंड करते हैं। अगर हमें इसे पानी की जरूरत पड़ेगी तो 2-3 टेबल स्पून इसमें पानी डाल के दरदरा ग्राइंड करना है। इसे एकदम पेस्ट नहीं बनाना है, वरना आपने हमारी सब्जी जो बनेगी वो बिल्कुल चिकनी हो जाएगी और एक को एक लिपट जाएगी। तो इसे हमें दरदरा ग्राइंड करना है, तो इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए हमने इसे घुमाया लेकिन ये काफ़ी अच्छे से ग्राइंड नहीं हुआ है, दरदरा दाने बहुत हैं, तो इसमें थोड़ा सा हम 2 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड कर रहे हैं। अब इसे हम मिक्सर में घुमाएंगे। देखिए इसमें हमें थोड़ा सा पानी और ऐड करना पड़ा था, ये देखिए इस तरह से इसे दरदरा ग्राइंड करना है। इसको बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, इसमें हल्के हल्के इसके दाने है ही, तो इस टाइप से हमें इसे ग्राइंड करना। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए खसखस प्याज की सब्जी को हम बड़े से तवे में बना रहे हैं, आप चाहे तो इसे गंजी बना सकते हैं। तवे पे लोहे के तवे में इसकी सब्जी बहुत गजब की बनती है। तो इसमें हमारा देखो नागपुरी स्टाइल बना रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा ऑयल हमारा इसमें थोड़ा ज़्यादा ही लेंगे, ताकि खसखस की सब्जी उसी में ज़बरदस्त टेस्टी भी लगती है। तो अभी हमने 2 बड़े चम्मच ऑयल लिए हैं, तो उसमें डाल देते हैं 1/2 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून जीरा। तो ये आधा आधा चम्मच है राई जीरा, तो इसमें 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड एंड मस्टर्ड सीड 1/2 टीस्पून ऐसा करके हमने लिया है। इसे साथ में चले जाएंगे 2 तेज पत्ते। अब इसमें डाल देंगे हमने जो प्याज कट करके रखी थी वो, और इसी के साथ में हमने 2 कड़ी पत्ते लिए मीन्स करी लीव्स, ये भी डाल देंगे। इसे हम हाथों से ही तोड़ के डाल देंगे, और ये 3-4 हरी मिर्च है, ये भी डाल देते हैं। अब इसे हमें अच्छे से भूनना है। हमारी प्याज को सॉफ्ट होते तक इसमें हमें अच्छे से भूनना है। देखिए इसके पहले मैंने हमारे नागपुर की फेमस साउजी स्टाइल
खाकस कांदा की सब्जी का वीडियो अपलोड किया है, तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी। और ये उसी टाइप में ही, ये सूखी सब्जी है, तो इसको आप चाहे तो खसखस जो होती है मींस पॉपी सीड, उसको पहले ड्राई रोस्ट करके उसको मिक्सर में ग्राइंड करके भी बना सकते हो, या फिर मैंने उसे कैसा है उसमें कंकर होते हैं इसलिए मैंने उसको ड्राई रोस्ट करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि उसमें कंकर होते हैं फिर हम खा नहीं सकेंगे, उसमें कचकच लगना ही लगना है। तो उसे हमने वॉश कर लिया 10-15 मिनट के लिए, मैंने थोड़ा सा भिगो के रख दिया था, और उसे हमने अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद में ऊपर ऊपर से छन्नी से छान छान के निकाल लिया, तो उससे कैसे कंकर नीचे बैठ गए और ऊपर ऊपर हमारा पूरा खसखस आ गया। तो अब इसी में हमें हमारी खसखस को भी अच्छे से फ्राई करना, तो ये इसमें भी बहुत गजब की बनेगी। इसे हमें देखिए हल्का हल्का ये सॉफ्ट होना शुरू हो चुका है, तो अब इस पीरियड में हम डाल देंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हमने 1 टीस्पून लिया है, इसको हम यहाँ पर भून लेंगे। हमारे अदरक लहसुन का भी कच्चापन जाना चाहिए, इसलिए हमें इसे काफी अच्छे से भूनना है। इसमें ऑयल की मात्रा हमने थोड़ी ज्यादा ली है, आप चाहे तो इसे कम कर सकते हो, लेकिन ये इसमें ही काफी टेस्टी लगती है। हमारे नागपुर में इसी तरह से बनाया जाता है, तो ऑयल की मात्रा थोड़ी ज्यादा रहेगी ही, आपको कम करना है आप कर सकते हो। थोड़ा सा और होने देते हैं हमारी प्याज को, हल्की सी पिंक कलर आने देंगे। अब हम इसमें से हमारा तेज पत्ता को हटा लेते हैं, क्योंकि इसने अपना फ्लेवर छोड़ चुका है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसे हम हटा देंगे। क्योंकि ये थोड़ा सा प्याज में भूनते समय थोड़ा सा ये करता है और प्याज इधर उधर गिरने का डर रहेगा, इसलिए मैं इसे अब हटा दूंगी, क्योंकि इसने अपना फ्लेवर पूरा निकाल चुका है। चलिए हल्की सी अब सॉफ्ट होना शुरू हो चुकी है पूरी तरह से, तो अब इसमें हमारे कुछ पाउडर मसाले हमें ऐड करना है। अब हम क्या करेंगे, गैस का पावर स्लो कर देते हैं। चलिए अब इसमें हमारे पाउडर मसाले ऐड करते हैं, तो उसमें चले जाएंगा टर्मरिक यानी कि हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून लिया है, तो अभी हम 1/2 डालेंगे, लास्ट में 1/2 डालेंगे। आपने हमेशा देखा होगा मैं इसी तरह से डालती हूँ। एक टेबलस्पून भर के हमने कोरिएंडर पाउडर मींस धनिया पाउडर लिया है, 1.5 टेबलस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे कम ज्यादा कर सकते हो। देखिए आपके यहाँ पे जिस तरह से आप खाते हो तीखा, उसको उसी तरह से आप लोगे तो ज्यादा बेटर होगा। और ये 1/2 टीस्पून हमने कसूरी मेथी ली, उसे भी हम इसमें डाल देंगे। अब इसे हमें इसमें मिक्स करना है। गैस का पावर बिल्कुल स्लो कर देना इस पीरियड में, क्योंकि हमारे मसालों को हम इसमें भूनेंगे तो मिर्च के जलने का चांसेस रहता है, इसलिए थोड़ा सा हमें कम पावर पे ही इसे अच्छे से भून लेना है। अब इसमें हम थोड़ा सा हमारा हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। मसालों के साथ में ये काफी अच्छे से अब लिपट चुका है, तो अब इस पीरियड में हमारे इसमें कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें टमाटर को भी इसके साथ में ही पका लेना है। टमाटर डालने के बाद में अब इसमें हमें जितना हमारी सब्जी को नमक लगेगा उतना भी इसमें ऐड कर देते हैं, ताकि ये जल्दी से हमारे टमाटर गल जाए। बरसात का मौसम है, थोड़ा सा ये हर चीज सौगी सी होने लग जाती है। अब हमारे टमाटर को हमें इसमें मैशी होते तक पकाना है, काफी अच्छे से भूनेंगे हम इसको, ये पकने देते हैं। अब
हमारे टमाटर को भी हमें बार बार पलटाना, एक लोहे का तवा रहने की वजह से इसमें नीचे लटकने का भी चांसेस रहता है, इसलिए इसे हम हर दो दो मिनट में इसे पलटा पलटा के इसे भूनना है। देखिए टमाटर भी पूरे मैशी से हो गए, तो अब इसमें हमने जो हमारे पॉपी सीड मींस खसखस को पीस के रखा था दरदरा सा, उसे डालेंगे। बाद में थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे भी हम मिला लेंगे, पहले इसे हमें मिक्स करना है। गैस का पावर स्लो कर देंगे एकदम, इसे हमें काफी अच्छे से मिक्सअप करना बहुत जरूरी है ताकि ये नीचे लटका ना, और गैस का पावर बिल्कुल स्लो करके रखें ताकि ये मसाले भी इसमें बिल्कुल जले ना, धीरे धीरे ये पकेगा। इसको हमें कम से कम 5 से 10 मिनट तक इसी तरह से भूनना है ताकि इसके दाने अलग अलग भून जाए। बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है ये खाकस कांदा, हमारे नागपुर का फेमस है ये, सावजी खाकस कांदा के नाम से भी जाना जाता है। और ये मैं जो अभी इसके पहले तो मेरी वीडियो जो बन गई थी वो सावजी कांदा खाकस कांदा की थोड़ी ग्रेवी वाली बनाई थी मैंने, और इसको हल्का सा मैं सूखा बनाऊंगी मींस लटपटा लटपटा ग्रेवी वाली, हल्की सूखी रहेंगी ये। काफी अच्छे से इन्हें हमें भूनना बहुत जरूरी है। आप देख सक रहे होंगे कि हमारे खाकस के जो दाने हैं वो अलग अलग दिखना शुरू हो चुके हैं, मींस ये काफी अच्छे से भून चुके। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी हमारे जो खसखस पीसे थे तो थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालना है और इसे हमें पकाना है। ज्यादा पानी नहीं डालेंगे वरना ये ग्रेवी वाली हो जाएगी। इसको पकाने के लिए करके हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, कम से कम 10 से 15 मिनट में हमारी सब्जी तैयार हो जाती है। ये कम से कम हमने 3 से 4 टेबलस्पून हमने ऑयल लिया है, अब इसे हमें होने देना है, मिक्स कर लेंगे अच्छे से और गैस का पावर स्लो करके इसे धीरे धीरे हम पकाएंगे। अब इसे हमें धीरे धीरे पकने देना है, ऊपर से हल्का सा हरा धनिया डाल देते हैं। चलिए अब इसे हम पकने देते हैं धीरे धीरे, अभी बीच में चम्मच चलाते रहना है। चलिए 2 मिनट के करीब होने लग गए हैं, अब इसमें हम फिर से चम्मच चलाएंगे। इसी तरह से हमें इसे 5 से 6 मिनट तक और होने देना है। देखिए हमारी ये सब्जी अब बिल्कुल होने में आ चुकी है, देखिए सूखी सूखी हो रही है, एकदम सूखी सूखी ये तैयार हो रही है। इसे और 1 से 2 मिनट तक और होने देते हैं और फिर हम गैस का पावर बंद करके इसे हमें तुरंत ही, जैसे हमारी सब्जी बन जाएंगी हम इसे तवे में से निकाल के दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि लोहा है उसमें अगर आप रख दोगे तो ये पूरी यानी कसेली टाइप लगने लग जाएंगी। इसलिए जब भी लोहे की में खाना बने गर्म रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा, और हल्का सा भी ठंडा हो गया तो पूरा वो अपना लोहे का ये कर लेते, जैसे बन जाता है तुरंत इसे हमें ट्रांसफर दूसरे बर्तनों में कर लेना चाहिए। बस इसे हम 1 से 2 मिनट और होने देते हैं और फिर इसे हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। देखिए हमारा नागपुरी स्टाइल खसखस तांदा बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो अब इसमें डाल देंगे हमारा बचा हुआ गरम मसाला, जो भी हमने 1/2 टीस्पून डाला था अभी हम 1/2 डालेंगे। मिक्स कर लेते अच्छे से, और इसमें चले जाएगा हरा धनिया। गैस का पावर बंद करते हैं और इसे सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। तो इसे हम
पहले ट्रांसफर कर लेंगे दूसरे बर्तन में और फिर बाद में हम सर्विंग डिश में से निकालेंगे। तैयार हो गया हमारा नागपुरी स्टाइल खसखस कांदा। देखिए कितनी जबरदस्त टेस्टी सी हमारी ये खसखस प्याज की सब्जी तैयार हुई है। हमने सूखी बनाई है इसे, हल्की सी ड्राई है ये और खाने में भी बेहद स्वादिष्ट है, तो आप इसे एक बार तो जरूर ट्राई करना। जबरदस्त टेस्टी सी हमारी ये खसखस कांदे की सब्जी तैयार हुई है। खसखस कांदा कहा जाता है हमारे नागपुर में इसे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो के नीचे की लाइक के बटन को क्लिक कीजिए, मेरी इस वीडियो रेसिपी को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आपको मेरी पिछली वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। एंड वंस अगेन प्लीज गिव लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच।